नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी SSC में वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी? वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे टॉप एजुकेटर आपके लिए लेकर आते हैं टॉप बैच, और इसी क्रम में हम आपके लिए 28th की जगह अब 5 मई से भी आपके लिए न्यू बैच लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अभी तक यदि हमारे टॉप बैचेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये बैच आपके लिए को आसान बनाएंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर जो बैच हैं, सबसे पहले तो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है। हम जोर देते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे। यदि हम बात करें हमारे प्लेटफॉर्म में 30+ बैच हर वीक आपके लिए लाए जाते हैं। 300 क्लासेज पर डे प्रोवाइड की जाती है हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 70+ एजुकेटर हम सब मिलकर के आपकी तैयारी को आसान बना रहे होते हैं। वहीं पर 40 के हम आपको रिकॉर्डेड आवर्स का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या में किसी भी प्लेटफॉर्म में रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं मिलता। यहाँ पर जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनकी आप पहली क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक सभी क्लासेज आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है एक बेस्ड सॉल्यूशन 20 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब इतनी ढेर सारी संख्या में आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, वो सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म है हमारा अनअकैडमी। यदि हम बात करें हमारे ऊपर अनअकैडमी में, चाहे SSC की बात हो, बैंक की बात हो, रेलवे की बात हो, या IIT या किसी भी एग्जाम, अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो, हम पे पता है इंडिया के 95% स्टूडेंट भरोसा करते हैं और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान बना रहे हैं। यदि हम बात करें हमारे प्लेटफॉर्म में, यदि SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से CET ब्रह्मास्त्र बैच, अभी से ही हम आपके लिए CET तैयारी के लिए एक बैच लेकर आए हुए हैं जो आपकी तैयारी को आसान बना रहा है, तो आप इसके साथ भी जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो याद रखें, आपको इनरोल करते समय यहाँ पर ध्यान देना है रेफरल कोड G10 फिल करना है। ठीक है, तो आप इस बैच को जरूर इनरोल कर लें, जो कि 28 से भी स्टार्ट हुआ है और 5 मई से भी आ रहा है आखिरी पड़ाव बैच। हम आपकी तैयारी को तब तक नहीं छोड़ते हैं, आपका साथ तब तक देते हैं जब तक कि आपकी सफलता सुनिश्चित ना हो जाए, और इसको ध्यान में रख करके हम आखिरी पड़ाव बैच आपके CGL एग्जाम के लिए लेकर आए। इसी प्रकार हम CHSL के लिए आपको आखिरी पड़ाव बैच लेकर आए थे, जो कि आपकी तैयारी में जो पढ़ाया गया है उसका रिविजन कराया गया था, और रिविजन इज ए की ऑफ सक्सेस। तो आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ संकल्प बैच, आपको पता है इंडिया का नंबर वन YouTube चैनल, और वो YouTube चैनल किसी और वजह से खास नहीं है, इन्हीं सब टॉप एजुकेटर्स की वजह से खास है। ठीक है, क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत से उस YouTube चैनल पे आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करते हैं। लेकिन इनका एक कंप्लीट बैच आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म में, संकल्प 1000 सिलेक्शन बैच, और ये बैच आपका आ रहा है। इस बैच को आप इनरोल करें और रेफरल कोड यूज करें G10। तो मैं आशा करता हूं कि आप G10 रेफरल कोड के साथ इस जो 1000 सिलेक्शन बैच है आप इसको भी एनरोल करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यदि हम बात करें इसके अलावा यहां पर सफलता बैच, आपको पता है आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए Wi-Fi की टीम, जो कि इंडिया की नंबर वन टीम है, चाहे हम बात करें अवस्थी सर की बात करें, या मैम की बात करें, या भुवनेश सर की बात करें, या दीपक सर की बात करें, ये सब बेस्ट एजुकेटर है इंडिया के, और इस सफलता बैच में आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आप इनके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो आप जरूर इनरोल करें यहां पर रेफरल कोड G10 के साथ। तो मैं आशा करता हूं आप इस कोड को जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए हमारी टीम के द्वारा एग्जाम क्रैकर बैच, आपकी सफलता के लिए 2021-22 के लिए 9 मंथ के ड्यूरेशन का एक बैच लाया गया है, आप इसको भी इनरोल कर लें। साथ ही साथ टारगेट SSC GD बैच, आप MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आप भूले नहीं, हमारे पास आपके लिए बेहतरीन बैच है टारगेट SSC MTS बैच, आप इसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। वहीं पर यदि आप स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां पर स्टेनोग्राफर के बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। वहीं पर हमारा लक्ष्य बैच, जो आपकी तैयारी को और आसान बनाएगा CPO एग्जाम के लिए, आपके सितारे के सपने को साकार करेगा, इस लक्ष्य बैच में हमारे सभी टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। आप इस फोटो पे मत जाएं, इसके अलावा भी बहुत से एजुकेटर हैं जो हमारे टॉप एजुकेटर हैं, आपको बेस्ट क्वालिटी इंश्योर करते हैं जो इन बैचेज में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि फोटो तो कमी लोगों की लगाई जा सकती है, लेकिन हमारे एजुकेटर की संख्या 70 है, वो सभी मिलकर के 70+ एजुकेटर आपको बेस्ट क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं। यदि हम बात करें फाउंडेशन बैच फॉर GD कांस्टेबल, यदि आप कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि हम आपके किसी बैच के साथ, आप अपनी तैयारी अभी तक जो आपने की है वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कंप्लीट बैच के साथ जुड़ करके हमारा प्लान ये होता है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहां पर तैयारी करा दें। हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज अलग चलते हैं, लेकिन यहां पर हम बैच इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी को काफी आसानी हो, जैसे कि आप सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच सकें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो इसके लेकर के हम आपके लिए बैच लेकर आते हैं। हमारे बैच लाने का उद्देश्य यही है कि आप अब फोकस्ड पढ़ें इस एग्जाम के लिए, बाकी आप इंडिविजुअल भी हमारी क्लासेज एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, यदि हम बात करें, ठीक है, यहां पर हम एक बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर भी आते हैं आप लोगों के लिए। जैसे आपकी तैयारी में कई बार ये देखने को मिलता है कि अरे सर, कई बार इकोनॉमी एक प्रॉब्लम होती है, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को देख करके, क्योंकि हमारी जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारा जो एक वो है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपको पूरी तरीके से जो आपका होता है वो ध्यान देता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल प्रॉस्पेक्टिव से सबसे कम पेपर हम आपको पढ़ाते हैं। दूसरी बात, यदि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप में यदि टैलेंट है, तो आप स्कॉलरशिप क्रैक करें और अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें। तो ये हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए खास है, आप इसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें, यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्बेट है, और इस कॉम्बेट को हर संडे को होता है, एवरी संडे को एसएससी के लिए यहाँ पर 12 बजे आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और बैंक के लिए शायद 10 बजे। तो ये बैंकिंग का है यहाँ पर स्लाइड। वैसे तो आपको एसएससी बैंक हर में कॉम्बेट होते हैं, तो आप पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप घर बैठे अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। आप देखते हैं इस बुरे वक्त में भी अनअकैडमी आपके साथ खड़ा है, हर कंडीशन में आपकी तैयारी को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। यदि हम बात करें कि हमारे प्लेटफॉर्म में ये सब्सक्रिप्शन का मोड है, यहां पर आप देखते हैं कि यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सिर्फ 320 मतलब 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगभग पड़ता है। यदि आप इसमें, ठीक है, यदि कोड अप्लाई करते हैं G10, ठीक है, जो कि मेरा कोड है, ठीक है, आप G10 कोड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट भी होता है, और यहाँ पे डिस्काउंट होने के साथ ये अमाउंट 7000 के आसपास पड़ जाता है। मतलब कि आपको 250 रुपये के आसपास का महीना 24 महीने पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्पेशल ऑफर भी हम अभी आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें कि आप अनअकैडमी में यदि आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है हमारे प्लेटफॉर्म में। तो आप हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी को बनाएं आसान, ठीक है। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन मॉक, जो कि अप्रैल महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। अब हम अपनी तैयारी में यहाँ पर अप्रैल के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं रही है लगातार कई दिनों से, तो बोल पाने में थोड़ा सा वो हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर दें। व्हिच स्टेट फाउंडेशन डे इज नोन एज उत्कल दिवस? राइट आंसर आप लोग कमेंट में दें, मैं देख रहा हूँ। सर पढ़ा दीजिए, आपके पर्सनालिटी को प्रमोशन शोभा नहीं देता। बात ये प्रमोशन की नहीं है, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में हम बताएंगे तो कि हकीकत में हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करें, राइट आंसर दें, वेरी गुड, ठीक है। तो ये उड़ीसा से उत्कल दिवस, उड़ीसा का है, और कब मनाया जाता है? एवरी ईयर कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने का क्वेश्चन है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर दें आप लोग कमेंट में, मैं देख पा रहा हूँ। राइट आंसर दें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए राइट आंसर दें, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। क्यों आखिरकार? क्योंकि 1936 में जो उड़ीसा और आपका बिहार या आपका बंगाल से जो अलग हुए, तो 1936 में ये एक राज्य के रूप में आया था, 1936, और तब से ये उत्कल दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे आपको यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे 36 के आसपास, तो उसी दौरान है, हरियाणा तो बाद में बना है आज़ादी के बाद, ठीक है। तो याद रखना 1936 को, इसकी आज़ादी की वजह से 1 अप्रैल को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सर एक डिसलाइक भी कर दिया, अरे तो लाइक करने वाले तो 39 है, डिसलाइक करने वाला एक है, वो अपना भाई होगा कोई, ठीक है, भावुक भाई होगा। चलिए राइट आंसर देना कोई बात नहीं है, अब मैं लगातार आपके साथ कंटिन्यू रहने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब थी, 8-10 दिन से बहुत ही ज़्यादा हालत खराब रही है, और अब मैं डेली आपके साथ स्पेशल क्लास और यहाँ पर रहने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आज और कल से हम स्पेशल क्लास कंटिन्यू करेंगे, अपने यूट्यूब के क्लास 12 बजे डेली करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रैल क्वेश्चन करेंगे। इनसे फायदा क्या होगा कि ये क्वेश्चन हम यहाँ पर करके अपने बार बार दोहराएंगे, और जिससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर उसके पहले एग्जाम के पहले मैं आपके लिए वो जो करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का बैच लेकर आता हूँ, उसमें 360 या आप बोलते ही हैं 360 करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा लिख करके। तो चलिए राइट आंसर दें, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये एक बुक है जो अप्रैल के महीने पर आई हुई है, सारे अप्रैल के क्वेश्चन है, अप्रैल 2021, याद रखना। यहाँ पर मैं आपको ये PDF भी शेयर कर दूंगा, अप्रैल 2021। तो आप लोग राइट आंसर दें, ये बुक किसकी है? बिल्कुल सही, राइट आंसर दें। सी गलत है सुखविंदर बाबू, शैलेंद्र जोशी की नहीं है, याद रखना, नितिन
ठीक है, गोखले जी की ये पुस्तक है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड, ये बहुत ही अच्छी बुक है और इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको पता है कि अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ है उसमें बुक्स ज़्यादा फोकस की गई और ज़्यादा बुक्स आई भी, और उनको ध्यान में रख करके हमें बुक्स कोई भी छोड़नी नहीं है। शिवानी करी आज अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन करके, आपको हम बहुत मिस किए हैं। अरे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आज? अच्छा कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा क्लास होगी, क्योंकि डेली क्लास तो यहाँ पर आते रहे और नहीं मिली है, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास होगी, आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ठीक है? एक बार आप लोग भी शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और शेयरिंग इज केयरिंग। चलिएगा, मैं भी शेयर कर दिया हूं इसको, एक बार आप भी शेयर कर दें। चलिए दूसरी, यहां पर याद रखना, यदि आपसे मैं पूछूं मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये बुक किसकी है, राइट आंसर दें आप लोग। यदि आपसे पूछा जाए कि मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये पुस्तक किसकी है, राइट आंसर दें आप लोग। ऑफ द रिकॉर्ड ये बुक किसकी है, राइट आंसर दें आप लोग। जैसे मनोहर पारिकर के जीवन पे ये बुक आई अप्रैल में, उसी प्रकार यहां पर फरवरी माह पर ये बुक भी आई थी, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो आप लोग यहां पर इस बुक का भी राइट आंसर दें, ठीक है, राइट आंसर दें आप लोग, बिल्कुल सही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करके आया सर। अरे वाह सुदीप बाबू, अरे वाह, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे नितिन गोखले जी का नाम आपको याद रखना, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड, अप्रैल महीने का, अप्रैल 2021 के क्वेश्चंस हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो नेक्स्ट एग्जाम है आपके लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हमारे जो बैच है, मैं उसको भी बार बार बता रहा हूं कि हम नए बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए 5 मई से, तो आपको याद रखना है कि ये 5 मई आपके लिए खास है। जो भी आपके भाई बंधु हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन करें, और आप जो लोग ज्वाइन किए हैं वो इसके बेनिफिट्स को साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं कि हमें क्या फायदे पहुंचे हैं अभी तक इस प्लेटफॉर्म से। यदि आप बात करें, राइट आंसर दें, ठीक है, हम आपके इस मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े हैं, ताकि आपके कैरियर में, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत या मुसीबत ना आए, ठीक है। आप अपने आप को खुश रख पाएं, अपने आप को पढ़ते रहें, अपने आप को बिजी रख पाएं, हमारे प्लेटफॉर्म में आपके लिए इसीलिए इतनी ज़्यादा संख्या में क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो हम सब इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं, तो राइट आंसर दें। गद्दी ट्राइब जो है ये ट्राइबल ग्रुप है, कहाँ का है, राइट आंसर दें, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आपको। मैंने अभी ट्राइब्स पढ़ाई हुई थी, यूट्यूब में ही पढ़ाई हुई लास्ट क्लास में, और मैंने इसके क्वेश्चंस भी आपको सारे कराए हुए थे, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर, यदि आपसे मैं पूछूं बकरवाल ट्राइबल ग्रुप कहाँ पे पाया जाता है, तो वो भी यहीं पर पाया जाता है, इसका भी आप राइट आंसर दें, ठीक है। यदि आपसे मैं पूछूं यहाँ पर अरुणाचल में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और आपसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर दें आप लोग, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। देखो यहां पर मटकी डांस तो बेटा मध्य प्रदेश का है, यहां पर याद रखना कि मैंने आपको पहाड़ियों के नाम बताए थे, DMAM, ठीक है। तो DMAM जो यहां की हिल्स है, उसी के नाम पर जनजातियों के नाम है, जैसे डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, आपातानी, ये सारी जो जनजातियां हैं कहां पर पाई जाती हैं, यहां पर पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है, क्लियर, ठीक है। साथ ही साथ यदि गद्दी ट्राइब पे क्वेश्चन है, तो गद्दी ट्राइब आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था गद्दी का मतलब गद्दा, और गद्दा लोग करके ठंड में कहां पर जाते हैं, तो हिमाचल में गद्दी ट्राइब्स पाई जाती है, ठीक है, मैंने ये सारी बताई थी। जैसे चेंचू ट्राइब आपकी महत्वपूर्ण है, जो कि आंध्र में पाई जाती है, लास्ट ईयर CGL में क्वेश्चन आया हुआ है कि चेंचू ट्राइब जो है कहां पर पाई जाती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की ट्राइब, तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, यदि आपसे मैं प्रश्न करूं यहां पर, यदि आपसे मैं प्रश्न करूं कि भारत का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, राइट आंसर दें आप लोग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल जो जनजातीय समुदाय है वो कौन सा है, बिल्कुल सही, तो भील, आपको याद रखना है, और भील आपकी यहां पर, भील MP के रीजन में, ठीक है, आपको याद रखना है भील जो है सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, उसके बाद यहां पर हमारे भारत में गोंड आता है, और उसके बाद संथाल आता है। ये प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा है, वो भील है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है अरुणाचल में जनजातियां कौन सी हैं, तो डाफला, मिरी,
आबोर मिसमी, ये पहाड़ियों के नाम है और उन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पे जनजातियों के नाम है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भील की संख्या ज्यादा पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। लगभग यहाँ की जनसंख्या के, ठीक है, लगभग 20% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब्स पॉपुलेशन है। लेकिन यदि कहा जाए किस राज्य में प्रसत्ता के आधार पर सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है, तो आपको पता है लक्षद्वीप, यहाँ पे 94% ऐसी जनजातियां, मतलब जनजातियां ही पाई जाती हैं परसेंटेज के आधार पे। 94.5% जनजातियां लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। यदि ओवरऑल संख्या देखी जाए तो वहां पर मध्य प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर होगा। कुछ मैंने प्रश्न आपको बताए जो आपसे बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार चेजू पूछा जाता है, कई बार भील पूछा जाता है, कई बार गोंड, कई बार संथाल का फेस्टिवल सरहुल, उसी प्रकार यहाँ पे डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, जैसे मिसमी ट्राइब पूछी गई है तो यहाँ पर ये प्रश्न आते हैं। हिमाचल की गद्दी ट्राइब और बकरवाल, ये लगातार यहाँ से प्रश्न आते हैं, गद्दी और बकरवाल। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बात और याद रखना, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है, सिक्किम की जनजातियां वो आपसे अक्सर पूछ ली जाती हैं, लेपचा, शेरपा, भूटिया, लिंबू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन की मैंने आपको सारी पढ़ाई हुई है। क्लियर साहब, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे ध्यान दें, ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ यहां पर ध्यान दें। अब बताइए अभी हाल ही में, ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री बोर्ड के नए एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए हैं और वो कौन है? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो भारत के, ठीक है, फार्मर एक महत्वपूर्ण पद में रहे हैं, वो अभी हाल ही में एडिशनल डायरेक्टर बना दिए हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री बोर्ड के, ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री बोर्ड के नए जो डायरेक्टर बनाए गए हैं उनका नाम बताएं। बिल्कुल सही, यार बोलने में सांस क्यों फूल रही है? हिमांशु, सुधांशु, राइट आंसर दें, राइट आंसर दें आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही, उर्जित पटेल साहब, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। यदि आपसे पूछा जाए, एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, यदि आपसे पूछा जाए, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, और जो कि अभी कहां पर अपने पद से, ठीक है, यहां पर जब इन्होंने रिटायरमेंट हो गया तो इन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्री बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है। उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण बुक है जो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो उर्जित पटेल की जो बुक है, और अभी प्रेजेंट में जो गवर्नर है उनका नाम आपको पता है, शक्तिकांत दास साहब है, ठीक है, जो हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है, इस समय प्रेजेंट में है, ठीक है, 25वें गवर्नर है आरबीआई के। यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के कौन से गवर्नर है, 25वें गवर्नर है। यदि आपसे पूछा जाए उर्जित पटेल की बुक कौन सी है, तो आपको याद रखना है बेटा, सबसे पहले थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ, जब 1945 आपको मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, 1 अप्रैल में इसका गठन हुआ है, तो इसलिए महत्वपूर्ण अप्रैल का इसका महीना भी हो जाता है, ठीक है, 1935 को, ठीक है, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत की केंद्रीय बैंक बनाया गया 1949 को 1 अप्रैल को, तो कई बार प्रश्न आ जाता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कई बार प्रश्न आ जाता है, तो जहां पर आई वाले मैंने बताया था, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका सेबी हो, सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई पे है, चाहे नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो, चाहे एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर हो, सारी बड़ी बैंकों के हेडक्वार्टर जो कि कंट्रोलर बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर मुंबई स्थित हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ पर इस समय जो आरबीआई के गवर्नर कौन है, बिल्कुल सही, यदि सेविंग ऑफ दी, ठीक है, सेवर्स, यहाँ पे बुक का नाम है, ओवरड्राफ्ट से संबंधित जो बुक है, ओवरड्राफ्ट की जो समस्या को एड्रेस किया गया है, वो उर्जित पटेल ने बुक लिखी है, सेवर ऑफ द सेविंग ऑफ द इंडियन बैंकर्स ऑफ ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो एक बुक है जो कि उर्जित पटेल की बुक है, तो आप लोग याद रखना ओवरड्राफ्ट की समस्या को लेकर के उर्जित पटेल ने ये बुक एक लिखी हुई है, महत्वपूर्ण बुक है, आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राइट आंसर दें, वर्ल्ड मलेरिया डे, एक समस्या पूरी दुनिया में, ये पता है आपको, पता ही है मलेरिया, ठीक है, आपको पता है मलेरिया फैलता है, और मलेरिया इस बार तो मलेरिया से ज़्यादा खतरनाक वायरस, आपको पता है कोरोना लोगों के जीवन को, ठीक है, कितना ज़्यादा दर्द और कितनी ज़्यादा स्थिति खराब किए हुए है, ठीक है, त्राहिमाम की स्थिति भारत में पहुंची हुई है, लेकिन हम लोग फिर खड़े होंगे, ये हिंदुस्तान है हमारा, ठीक है, हम फिर से खड़े होंगे, मुस्कुरा करके आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर दें यहाँ पर, वर्ल्ड मलेरिया डे, वरना हर साल आपने मलेरिया के बारे में अक्सर सुना होगा, इस बार मलेरिया का प्रभाव कम दिख रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है। राइट आंसर दें आप लोग, मैं देख पा रहा हूँ आपकी कमेंट, राइट आंसर दें आप लोग,
नहीं, देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, 25 अप्रैल को। मलेरिया डे कौन सेलिब्रेट करने के लिए कहता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी कमाल की बात है, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण इसलिए है ये दोनों डे, क्योंकि आपका अभी जो अपकमिंग एग्जाम आएगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका डे कब होता है, तो ये आपको 7 अप्रैल को ये भी बना था, अप्रैल का महीना है, मैंने सारे अप्रैल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। WHO की स्थापना कब हुई है, अप्रैल में हुई है, और WHO के द्वारा मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है कल, किस अप्रैल को, 25 अप्रैल को। ठीक है बेटा, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, ये महत्वपूर्ण डे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखो लगातार आपसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, कहीं टीबी का पूछ लेता है, कहीं मलेरिया का पूछ लेता है, कहीं पोलियो का पूछ लेता है। जैसे आप भाई आपके CHSL एग्जाम में 24 मार्च पूछा था, जब यहाँ पर आपको मैंने बताया था टीबी दिवस होता है, टीबी डे, क्योंकि वो करंट में चर्चा में था, उसी प्रकार यहाँ पर मलेरिया डे करंट में चर्चा में है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी आता है, याद रखना है। ठीक है, मलेरिया डे, ठीक है, तो 25 अप्रैल को मलेरिया डे होता है। यदि आपसे पोलियो पूछ ले, पोलियो डे कब होता है, तो प्लीज कमेंट में आंसर दें। ये सारे महत्वपूर्ण डे जो हैं वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के द्वारा करवाए जाते हैं, जो आपको पता है इस समय लगातार चर्चा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यदि प्रश्न आ जाएगा तो आपको ये भी याद रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और कोरोना के काल में ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, कई बार इसकी लापरवाही का भी जिक्र हुआ है, कई बार इसने सराहनीय कदम भी हमारे हमें बचाने के लिए उठाए हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चर्चा में रहा है WHO। ठीक है, पहले इसकी लापरवाही, बाद में इसके सराहनीय कदम। ठीक है, साथ ही साथ WHO के जो डायरेक्टर है उनका नाम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, WHO के डायरेक्टर कौन है, और WHO की जो डिप्टी डायरेक्टर है वो भी पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर कौन है, तो दो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनमें एक भारतीय हैं, तो उनका नाम भी याद रखना है। जो डायरेक्टर है उनका नाम आप लोग कमेंट में बताएं। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, वो आप पोलियो डे बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अक्टूबर में होता है, बिल्कुल सही, 24 अक्टूबर को होता है, और सॉरी भैया यहाँ पर 24 अक्टूबर को पोलियो डे होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर लेकिन 25 अप्रैल। ये देखो टीवी वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, चर्चा में है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कोरोना डे नहीं है, अभी पता है एक महत्वपूर्ण डे आया है, 27 दिसंबर का दिन एक सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, हाइजीन को लेकर के पहली बार, ठीक है, पैंडमिक को लेकर के, पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस डे, ठीक है, दिसंबर में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो अभी कोरोना दिवस नहीं आया है, कोरोना दिवस आए भी ना भाई, कोरोना के प्रति लोगों को हाँ अवेयर कर सकते हो, आएगा, जल्दी ही आएगा। डॉक्टर ट्रेडोस का नाम याद रखना आप लोग, ट्रेडोस, ठीक है, डॉक्टर ट्रेडोस। वहीं पर डिप्टी डायरेक्टर कौन है, तो इनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सौम्या स्वामीनाथन, ये भारतीय हैं, और सौम्या स्वामीनाथन को यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए WHO के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यदि आपसे पूछा जाए WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब कार्यकारी, जैसे कोई कानून लागू करना है, कार्यकारी बोर्ड होता है। सर अप्रैल डेज करवा दो प्लीज, हाँ शिवानी बेटा कराऊंगा, सारे कराऊंगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कौन बनाए गए, हेड कौन बनाएंगे, ये कई बार प्रश्न आता है, तो आपको पता है यहाँ पर याद रखना है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, और उनका नाम क्या है हमारे हेल्थ मिनिस्टर का, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब निदेशक डायरेक्टर बनाए गए, डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, ठीक है, ऑफिसर बनाए गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, और उनका नाम क्या है, अनिल सोनी। ये भारती के पास इस समय पोस्ट है, अनिल सोनी WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पोस्ट में है, हाँ 2 सालों के लिए बनाए गए हैं, तो याद रखना अनिल सोनी जी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण WHO के बारे में था। WHO के डे मैंने बता दिए, जैसे कि एक महत्वपूर्ण डे है टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वहीं पर 25 अप्रैल को मलेरिया, और आपको मैंने पोलियो दिवस बता दिया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से आने की संभावना ज्यादा है, और मैं ये कह सकता हूं कि 100% है, 100% यहां से प्रश्न आने की संभावना है, और आप लोग लगातार एग्जामों में देख पा रहे होंगे, और मैंने आपको पिछली भी एग्जामों के लिए जो चुनौती दी थी कि ये क्वेश्चन आएंगे, और आप मेरा गेस देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो चीजें चर्चा में होती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं कुछ आसपास की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है साहब, हाँ 24 अक्टूबर आपको याद रखना पोलियो। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाए, वज्र प्रहार एक्सरसाइज अभी हाल ही में चर्चा में है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2021 में, ये आपका मार्च से लेकर के अप्रैल तक हुई है, वज्र प्रहार। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन कमाल की जगह पर हुई, आप गेस नहीं कर सकते, जैसे ये लिखा होगा नेवल एक्सरसाइज, तो आप यहां पर कोशिश करने में लग जाएंगे कि अरे यार ये नेवल एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार है, किसके साथ होती है, तो पहली बात ये इंडिया और US के बीच में एक्सरसाइज होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बनता है कि इंडिया और US के बीच में होती है। ठीक है, बिल्कुल सही, तो मैंने क्या बताया, तो 24 अक्टूबर ही तो बताया पोलियो डे,
क्या हो गया? अरे ऊपर लिखा तो है यार, अब भावुक हो जाते हैं। 24 अक्टूबर यूएन की स्थापना दिवस और पोलियो डे एक ही दिन पे होते हैं। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है कहां पर कंडक्ट हुई है ये बताओ, 2021 में हुई है, कहां पर हुई है एक्सरसाइज जो ये हुई है, मतलब दो देशों के बीच, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के द्वारा। जैसे एक एक्सरसाइज भारत और इसके बीच होती है युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास आपकी कहां पर हुई है तो आपको पता है जोधपुर में हुई है। अभी ये 2021 में हुई है, फरवरी के माह पर, मार्च के माह पर हुई है, सॉरी जोधपुर नहीं बीकानेर पे हुई है, क्यों गलत बताएं, भले राजस्थान में हुई है, ठीक है, सही जगह जाना चाहिए ना, राजस्थान में हुई है। अब इसी प्रकार ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है, मैं 25 बोल रहा था, अरे नहीं 24 अक्टूबर लिखा हूं यार, मैं मलेरिया को 25 बोल रहा था, 25 अप्रैल मलेरिया है, 24 अक्टूबर, 16 अक्टूबर बेटा वर्ल्ड फूड डे होता है। अरे आप लोग भावुक हो जाते हैं, अब पता है, अब आप लोग अपने लय में आ रहे हैं, अरे वो हालत नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ कि उल्टे सीधे फिर क्वेश्चन फेंकते हो, फिर कहते हो अब चलो मेरा राइट बताओ इसका, तुम लोग पता है उल्टा प्रश्न मुझे से करने लगते हो, जैसे क्लास में करते हो वैसा यूट्यूब में भी करने लगे हो। अब देखो युगांश सज्जन 16 अक्टूबर लिखती है, किसका भी बताओ, अरे भाई जो महत्वपूर्ण है सब बता दूंगा, परेशान मत होना, वो वर्ल्ड फूड डे होता है। तो ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज कहां पर हुई है कोई बताएगा, अरे राइट आंसर दो, वज्र प्रहार एक्सरसाइज कहां पे हुई है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सालनी बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हुई है। आप सब लोग तुक्का मारने की बड़ी तगड़ी कोशिश करेंगे भाई साहब, आप लोग ऐसा तुक्का मारेंगे ना, अरे समुद्र में ही हुई होगी क्योंकि नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन साहब ये हिमाचल प्रदेश में हुई है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हुई है। और ये युद्ध अभ्यास कहां पर हुई है, तो युद्ध अभ्यास जो है ये आर्मी एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं, जहां पर आर्मी पार्टिसिपेट करती है इंडिया और यूएस की, ठीक है, इंडिया और यूएस, सॉरी हाँ यूएस तो लिखा ही है, इंडिया लिखना था, इंडिया और यूएस की। तो यहां पर ये कहां पर हुई है, बीकानेर राजस्थान में। एक और एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इसके बीच, वो है मालाबार, मालाबार लेकिन पहले हुई है। अब मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया और यूएस तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि इंडिया और यूएस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अन्य देश भी पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन, तो ये महत्वपूर्ण है बेटा, जापान करता है, ठीक है, और कौन करता है, इंडिया, पहले तीन करते थे, अब यहां पर एक और हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी करने लगा है, पहली बार यहां पर ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है। और ये कहां पर हुई है, तो आपको पता है अरब सागर में हुई है, विशाखापट्टनम के पास हुई है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और ये क्वाड नेशन है, आपको पता है क्वाड्रिटल जो डायलॉग है उसके नेशन है, क्वाड कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, क्लियर साहब। तो ये यार ना हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार हुई है, और अभी ये आपको अप्रैल के महीने पर ये कंडक्ट हुई है, वज्र प्रहार अप्रैल में एंड हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना। युद्ध अभ्यास आपकी फरवरी लास्ट में और मार्च तक चली थी, और एक आपको पता ही है अगला इंपॉर्टेंट, ये सारी अप्रैल की एक्सरसाइज है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर दे, अप्रैल 2021 के क्वेश्चन है बेटा, महत्वपूर्ण है, चलो राइट आंसर दो। हाँ अप्रैल के माह पर, अरे यार ये कहाँ बार बार क्वेश्चन कहाँ चला जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही। चलो जापान का एक स्पोर्ट बियर है, आपने शूज देखे होंगे एसिक्स, ठीक है, एसिक्स के जो शूज आते हैं उसका एक स्पोर्ट पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बड़ा ब्रांड है, वैल्यू है, और ब्रांड एम्बेसडर कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, करंट में जो चर्चा में है उसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो बताइए एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, राइट आंसर दें, बिल्कुल सही राइट आंसर देने, रविंद्र जडेजा जी को बनाया गया है, ठीक है। लोग विराट कोहली पे भावुक होकर के मार देंगे, सर एमटीएस के पेपर के लिए क्या करें, एमटीएस के पेपर के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें अभी से ही, ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, कोरोना को जल्दी हम मात देने वाले हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पता है, ठीक है, देश में जो शीर्ष नेतृत्व है वो काफ़ी अब गर्मजोशी से लगा हुआ है, जैसे पहले चुनाव प्रचार में लगा हुआ तो उसी प्रकार कोरोना को कंट्रोल कर रहा है, और हमारी जितने भी संस्थान हैं जो मतलब कि जिनकी सीएसआर है वो भी अपनी बढ़ चढ़ की भागीदारी कर रहे हैं, और हमारा प्लेटफॉर्म अन अकेडमी भी आपको पता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भारत सरकार के लिए बहुत सारे, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख करके बहुत सारे धन की उपलब्धता सुनिश्चित किया है, तो हम भी इसके साथ करें, हमारा संस्थान भी इस तरीके से बढ़ चढ़ के भागीदार हो रहा है। और आपको पता है जिस आप संस्थान में पढ़ रहे हैं आपको इस बात से गर्व होना चाहिए कि संस्थान ने अभी हाल ही में, ठीक है, बहुत सारी मात्रा में, जिसकी आपको सीआर की मात्रा में शायद 7 या 8 करोड़ मतलब सीआर, ठीक है, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए भारत सरकार को मुहैया किया है पीएम केयर फंड में, ठीक है, तो आपको इस बात के लिए थैंक्स बोलना चाहिए अन अकेडमी को, क्योंकि पता नहीं इसी के ड्राइव प्रोग्राम या इसी छोटे छोटे सहयोग से
पता नहीं कितने लोगों की, ठीक है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो भी प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू अनअकैडमी कि आप सबके लिए हमेशा खड़ा हुआ है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, रिजनेबल प्राइस में आपको एजुकेशन, वरना पता है आपको एक टीचर मैथ का पढ़ने के लिए 10,000 चुकाने पड़ते थे, अब आपको पता है सिर्फ 7,000 में, वो भी 24 मंथ, आप सभी एजुकेटर से मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से मत देखें कि सिर्फ ये एक पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पर इसकी उपलब्धता होती है वहां पर ये बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेता है। धन की कमी कहां है सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी भूमिका तो निभाना चाहिए ना, और हर संस्थान को। कौन सा ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी भूमिका को निभा रहा है भाई, बताइए ना, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं। हाँ, और आप देखिए ना, अरे वो अलग चीज है, देखिए यहां पर आप देखिए अनअकैडमी ने आपके लिए कितना कम पेपर आपको पढ़ने के लिए उपलब्धता दी है भाई साहब। यहां पर यदि आपके पास कई करोड़ भी नहीं है ना, मतलब लखपति भी नहीं है, कि आप पहले क्या होता था, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए ना आप लोग गांव से निकलते थे, कहां पहुंचते थे, शहर पहुंचते थे। शहर में पहुंच करके एक पहले बात एक कमरा लेना पड़ता था, रूम रेंट देना पड़ता था। दिल्ली वगैरह में आकर के यदि आप रूम रेंट देखें ना, तो कम से कम आज भी आप देखें मुखर्जी नगर में 10,000 का रूम मिलता है या पीजी मिलता है। ऊपर से आपको पता है यहां पर फीस देनी पड़ती थी, मैथ वाले साहब के लिए अलग फीस देनी पड़ती थी, जीएस वालों को अलग देनी पड़ती थी। ये भी कम अपने आप को हीरो नहीं मानते थे जीएस वाले, मैथ के वाले तो है ही भाई साहब वो अपने आप को, ठीक है। जीएस वाले भी अच्छी खासी फीस लेते थे, रीजनिंग वाले भी बाबूजी कहते थे हम 10,000 से नीचे का पढ़ाएंगे नहीं कोई बैच, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर रीजनिंग वाले के अलावा आपको पता है इंग्लिश वाली, इंग्लिश वाले जितने टीचर्स थे मुखर्जी नगर में उनकी भी आप फीस देखें, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में लेते थे। लेकिन आपको देखो आपके घर पे रह करके, ठीक है, 2 साल से आपकी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से एक सही रणनीति के साथ मुहैया कर रहा है, आप बताइए 10,000 रुपए ये फीस मान ली, और आपने पता है हर कोचिंग क्लास में आपको 6 महीने बुलाता है 1 घंटे क्लास के लिए, 6 मंथ का रूम रेंट यहाँ पे मान लिया, ठीक है, जो आपका और खाने का खर्च मान लिया, तो 1 लाख के आसपास ये हो गया, और 1 लाख के आसपास ये अन्य खर्च हो गए। 2-2.5 लाख रुपए में ये SSC की सिर्फ कोचिंग कराते थे, और अनअकैडमी जब से आया, अनअकैडमी ने कहा कि भाई साहब आप घर पे रहते हो, घर पे रहो, टाइम मत वेस्ट करो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्लास के समय पर आप अवेलेबल हो जाओ, आपके लिए टॉप एजुकेटर हम लेकर आएंगे, और 7K मात्र 7,000 रुपए में आपको 24 महीने आपको सभी टॉप एजुकेटर मैथ भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। और कोई पता यहाँ पर ये नहीं करेगा कि क्वालिटी एजुकेशन में कमी करे, ठीक है, सभी एजुकेटर, और सभी, यदि एक एजुकेटर नहीं समझ में आ रहा, पहले आपने मैथ वाले के यहाँ ले लिया या इंग्लिश जीएस वाले के यहाँ ले लिया, नहीं समझ में आया तो आपने कहा साहब फीस वापस कर दो, हमारे यहाँ फीस तो वापस होती नहीं है, आपने स्लिप देखा नहीं, नीचे लिखा हुआ है फीस इज नॉट रिफंडेबल। लेकिन अनअकैडमी संस्थान में आप देखो कि 70 एजुकेटर हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं 70 एजुकेटर पढ़ाते हैं, आप किसी के साथ भी जुड़ जाओ, अपनी तैयारी को आसान बनाओ। हाँ, तो भाई चाहे रोमन सर की बात कर दें, तो रोमन सैनी जी की उन्होंने बेस्ट किया, गौरव मुंजाल जी हैं उन्होंने बेस्ट किया, और आज देखिए अनअकैडमी लॉकडाउन के पीरियड में भी या कोरोना के काल में भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कहीं से गड़बड़ नहीं कर रहा है। यदि आप पढ़ करके बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बार बार टॉप एजुकेटर हमारे आपके लिए बैक टू बैक क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल एक सही ढंग से रेगुलेट हो रहे हैं, ये नहीं कि यूट्यूब चैनल में कुछ भी आकर पढ़ा दिया, ऐसा भी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है अनअकैडमी, तो आपको भरोसा करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट, ठीक है, अन्य जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी फुलफिल कर रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या है, ठीक है। तो थैंक यू अनअकैडमी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा जी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है अप्रैल माह में डिकोड किया गया, 6 अप्रैल को दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 91वां दिया गया है अप्रैल 2021 में किसे दिया गया, राइट आंसर दे दें। यदि आपसे पूछा जाए 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राइट आंसर दें आप लोग। लॉकडाउन में ज्यादा अच्छा कि नहीं बेटा, वो अच्छा कर ही रहा था, बस एक वो था ना कि मौका नहीं मिल रहा था, आपकी नजर में नहीं आ रहा था। अब आप देखिए ना कि अनअकैडमी से बढ़िया कुछ है ही नहीं, कितना भी आप हवाबाजी कर लो, कितने भी आपको हवाबाज मिल जाएंगे खूब बढ़िया से बढ़िया, ठीक है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में सारे टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के ही पास हैं, बिल्कुल सही यहां पर। तो आपको याद रहना रजनीकांत, ठीक है, रजनीकांत, ठीक है, रजनीकांत जी का नाम याद रखना है, जो कि आपके साउथ इंडिया के फेमस एक्टर हैं, ठीक है, और एक्ट्रेस आप एक्टर हैं, और रजनीकांत जी को इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। यदि आपसे प्रश्न यहाँ पे कर दूं कि 50वां दादा साहब फाल्के किसे दिया गया था, 15, तो आपको पता है अमिताभ बच्चन साहब को, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं,
याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है, क्योंकि एक पीछे का भी पूछ सकता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न भी आया है, सर मैं लॉकडाउन में ही सब्सक्रिप्शन ली थी। अच्छा, तो अवन्या तुम्हें तो बहुत फायदा हुआ, बहुत पढ़ा है तुमने। हाँ, और बात यह सब्सक्रिप्शन लेने का ही नहीं है, आप पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए। सब्सक्रिप्शन लेकर के बाद भर में बैठे हुए हैं, ठीक है, अरे ये सोच में पड़े हुए हैं। मानता हूँ कि कोरोना संकट है, लेकिन अपने आप को आपके काम में भी लगे रहेंगे ना, तो थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ेगा। बाहर के जो एक होता है ना कि लोग इस समय जो स्टूडेंट हैं वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में थोड़े अपने आप को वीक फील करने लगते हैं, तो आप अपने आप को बिजी रखेंगे ना, तो कई बार आप अपने आप को सही रख पाएंगे। राइट आंसर दें यहाँ पर, ठीक है। अमिताभ बच्चन, यदि आपसे पूछा जाए पहला दादा साहब, फर्स्ट दादा साहब फाल्के किसे दिया गया था? फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है दादा साहब फाल्के, जो है वो फादर ऑफ इंडिया सिनेमा कहे जाते हैं। 1913 में इनकी एक मूवी आई थी, पहली चलचित्र मूवी थी, जिसका नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है। तो पहला दादा साहब फाल्के तो आपको याद रखना देव की रानी, ठीक है, देव की रानी, ठीक है, देव की रानी जी को दिया गया था 1969 में। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल सही है, ठीक है, 1969 में। हाँ, अरे मोटिवेट रहे यार, हम सब कुछ कर लेंगे, परेशान मत हूँ आप लोग, अपने आप को खुश रखें, ठीक है। और ये चैलेंज जो है ना, इससे भी हम लोग जीत लेंगे, हम आपके साथ हैं, ठीक है। या आप एक टीचर की भूमिका में देखें, बड़े भाई की भूमिका में देखें, ठीक है, हम हमेशा हमारे साथ खड़े हैं और आपका प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा है। हर वक्त आप अनअकैडमी के साथ आप देखिएगा, जुड़ करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अभी हाल ही में अप्रैल माह पर रेड राइस जो है वो US को एक्सपोर्ट किया गया, और जो रेड राइस है, लाल कलर का जो चावल है, ये एक्सपोर्ट किया गया, क्योंकि जो रेड राइस है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, और आपको बता दें सेम एज टेस्ट होता है जैसे आप अखरोट को खा रहे हैं, ठीक है। तो जो रेड राइस है इसका उत्पादन कहाँ पे होता है जो भारत से एक्सपोर्ट किया गया? राइट आंसर दें असम से, बिल्कुल सही। लोग केरला कर रहे हैं तो वो गलत है, असम से ही रेड राइस अभी US को एक्सपोर्ट किया गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाईली न्यूट्रिशंस होता है और इसमें रेड राइस। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्लैक राइस भारत में कहां पर होता है, यदि ये असम में होता है तो चलिए रेड राइस है। अब यहां पर मैं ब्लैक राइस की बात करूं, ये भारत में कहां पर होता है? ब्लैक राइस, इसी को चखाओ राइस भी बोलते हैं, काले रंग का चावल बोलते हैं इसको, ये भी हाई प्रोटीन होती है इसमें, बताइए कहां पर होता है? राइट आंसर दें मणिपुर में होता है। चलिए अच्छा, इसको भी आपने बता दिया, चलिए ये भी आप लोग राइट आंसर दे दीजिए, ठीक है। गोल्डन राइस, कई बार क्वेश्चन आया था, क्योंकि विटामिन ए होता है इसमें, गोल्डन राइस विटामिन ए होता है, ये एक चावल है जिसमें विटामिन ए होता है। हाँ, तो गोल्डन राइस कहां पर पाया जाता है? तो आप लोग राइट आंसर देंगे वेस्ट बंगाल के रीजन में गोल्डन राइस का उत्पादन होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिल्कुल सही। यदि आपसे कह दिया है पोक्कली राइस जो है, ठीक है, ये भी इस समय चर्चा में, क्योंकि ये पता समुद्र में पैदा होता है, मतलब कि जो समुद्र का खारा पानी है उसमें भी चावल किनारे किनारे उत्पादन होता है। पोकली राइस का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो राइट आंसर देने केरला है, बिल्कुल सही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चावल हैं, और ये जो रेड राइस है इस समय चर्चा में, इसका उत्पादन तो हुआ था ही है असम में, साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट किया गया है अभी हाल ही में US के लिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं 28 अप्रैल, मतलब कि 28 अप्रैल आपका कल जो है एक फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। अप्रैल के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन ये अप्रैल 2021 के क्वेश्चन है। तो राइट आंसर दें कि अभी भारत के वित्त सचिव अपॉइंट किए गए हैं, नए वित्त सचिव का नाम बताएं। वाओ ज्योत्सना, वेरी गुड, पेपर पढ़ रहे हैं सब लोग, नए भी पढ़ रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं, और बहुत ही जल्दी मैं आपको पेपर के भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी पर डे पढ़ाया करूंगा, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो में डालूं, मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा बहुत ही जल्दी, जहां पर हेडलाइन जैसा होगा, थोड़ा सा मेरे पास कंटेंट और टाइपिंग का इशू होता है, वरना मैं आपको हेडलाइन भी पढ़ के सुना दूं, वो एग्जाम ओरिएंटेड हेडलाइन, ठीक है, ये कहानियां जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर टीवी सोमनाथन, ठीक है, अभी हाल ही में वित्त सचिव बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन, ठीक है, सोमनाथन याद रखना, ठीक है, टीवी सोमनाथन 28 अप्रैल को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 2021 में, मतलब कल का परसों का क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राइट आंसर दें, ठीक है, अप्रैल के माह पर 7 अप्रैल को इंडो तिब्बत, मतलब जो ITBP है उसके द्वारा, ठीक है, अपना वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है अप्रैल 2021 में। कहां पर ओपन किया गया है यदि आपसे प्रश्न करूं? अप्रैल 2021 में वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है। राइट आंसर दें, गलत, लद्दाख वाले गलत है ऋषि, डिलीट कर दिया तुमने, मैं पकड़ लेता हूं, कमेंट में मैं निगाहें रखता हूं पूरी। हाँ, लद्दाख वाले गलत है अवन्या, तुम भी गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तराखंड में ओपन किया गया। यदि आपसे कहा जाए कि भारत में पहला
वाटर स्पोर्ट एडवेंचर, जो वाटर के स्पोर्ट होते हैं जैसे राफ्टिंग है, ठीक है, और अन्य गेम जो होते हैं जैसे स्पोर्ट रिलेटेड जो गेम होते हैं, वो उत्तराखंड में ही ओपन किया गया पहला इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईटीबीपी के द्वारा, ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि हमारी रक्षा करती है कहाँ पर, इंडिया और चाइना की सीमा पर, या इंडिया और चाइना या कहें या तिब्बत के रीजन पे, ये सुरक्षा के लिए यही फोर्स लगी होती है आईटीबीपी, या हम बात करें यहाँ पर मैकमोहन लाइन पर, ठीक है, मैकमोहन लाइन पर कौन सी फोर्स होती है इंडिया और चाइना के बीच में, मैकमोहन लाइन है, जो कि 14 में खींची गई थी 1914 में, और ये आईटीबीपी वहां पर रहती है, ठीक है। सर मैंने भी लद्दाख ही मारा था, तो गलत मत करें, ठीक है। उत्तराखंड राज्य बहुत ही खास है बेटा, ये तो एक देखो वाटर इंस्टीट्यूट। दूसरी बात यदि आपसे पूछा जाए यहां पर, अभी लॉकडाउन के पीरियड में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक स्किल यूनिवर्सिटी ओपन की गई है भारत में कहां पर, ये तो इंस्टीट्यूट है, स्किल यूनिवर्सिटी, राइट आंसर देना, कोई बताएगा स्किल यूनिवर्सिटी भारत में पहली, फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट, जो भी बोलूंगा बेटा फर्स्ट बोलूंगा, इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर ओपन की गई है, राइट आंसर दे। अरे मुकाबला नहीं होता, मुकाबला होगा यार, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब चल रही है, पिछले 5 दिनों से कोई क्लास नहीं ले पा रहा हूँ और दिक्कत है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा सही हुआ हूँ, रिकवर हो रहा हूँ, अभी भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई, बिल्कुल राइट आंसर असम, लोग सोचे उत्तराखंड ही होगा, भावुक मत हूँ, ठीक है। अरे यहीं पर इंडिया का फर्स्ट, ये जैसे इंस्टीट्यूट बनाया गया है इंस्टीट्यूट, उसी प्रकार इंडिया का फर्स्ट, ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई गई, लॉकडाउन में अभी 2 महीने पहले, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर ओपन की गई है, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो राइट आंसर दें, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर ओपन की गई, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहे अभी पढ़ने चाहे बाद में पढ़ना, बिना पढ़े तो देखो भाई साहब, देखो बिना पढ़े तो वैसे पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, बिना पढ़े तो होना नहीं है, तो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स में कब तक उलझे रहेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेकर आए और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, ठीक है। राइट आंसर दें आप इसका, कि पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर ओपन की गई है, भैया भावुक हो रहे हैं आप लोग, केरला, बिल्कुल सही, केरला में, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी पता है, ये सब 2021 की घटनाएं, ठीक है, दो याद रखना। यदि आपसे कहा जाए भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इंस्टीट्यूट कहां पर ओपन किया गया है, इंस्टीट्यूट कहां पर ओपन किया गया है, तो राइट आंसर दे सर, डिस्क्रिप्टिव भी करा दो, वासु यादव डिस्क्रिप्टिव में क्या, तुम्हें अभी टीयर 3 थोड़ी ना देना, मैं इस बार इसे पढ़ाऊंगा बहुत ही मस्त ढंग से पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। बताओ एआई इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही, तेलंगाना। यदि आपसे कहा जाए भारत का पहला एआई इंस्टीट्यूट कहां पर ओपन किया गया, तेलंगाना में। यदि यहां पर बात की जाए, और भी यूनिवर्सिटी है, रेलवे यूनिवर्सिटी है बहुत सी, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए विंटर स्पोर्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूट भारत में कहां पर ओपन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका मार्च में ओपन हुआ है, ठीक है, विंटर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहां पर ओपन किया गया है, तो राइट आंसर देना आप लोग। ओह फंसोगे भाई साहब, गुलमर्गा। अभी हाल ही में आपको पता है कि हमारा खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट गेम कहां पर हुए थे, तो आपको पता है गुलमर्ग में हुए थे, और गुलमर्ग कहां पड़ता है, गुलमर्गा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए गुलमर्ग कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, यहीं पर अभी हाल ही में, ठीक है, जनवरी 2021 में स्पोर्ट गेम हुए हैं, और मार्च 2021 में विंटर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है, जो खास करके जो शीतकालीन, ठीक है, स्पोर्ट को बढ़ावा देगा, वो कहां पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाँ बस बस, सुरेश रैना ने भी पहली यूनिवर्सिटी कहां पर, मतलब कि स्पोर्ट वो बनाया है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया है, वो इस क्रिकेट का हो गया, आप लोग जिसके फैन है। ओ नाइस क्वेश्चन सर। हाँ सर, CAPF के लिए, अच्छा मतलब कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जाम की डेट क्या है बेटा, अरे मुझे हिंदी भी पढ़ानी है यार आप लोगों को। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी तो पिछले साल कर दी गई थी, वो क्वेश्चन आ चुका है। अब ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टेट लेवल अदालत बनाई गई है LGBT, ठीक है, LGBT कम्युनिटी के लिए, और LGBT कम्युनिटी आपको पता है इसके बारे में, ठीक है, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के लिए कमिटी के लिए पहली स्टेट लेवल अदालत बनाई गई है, और अभी अप्रैल के महीने पर, अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में, ठीक है, ये मान लीजिए बात है 23 या 22 अप्रैल को स्टेट लेवल की अदालत बनाई गई है LGBT के राइट्स को लेकर, जिनको लेकर के आपको पता है 377 के तहत, आप लोग राइट आंसर दें, कहां पर बनाई गई, बिल्कुल राइट आंसर केरला पे बनाई गई है, LGBT को लेकर के एक अदालत बनाई गई है, जहां पर इनके जो अधिकारों हैं, ठीक है, समर्पित है, इनके अधिकारों का कहीं कहीं पर हनन हो रहा है, इनका कहीं पर शोषण हो रहा है, तो इस उस अदालत में अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना है, यदि आपसे कहा जाए ट्रांसजेंडर को लेकर के, ट्रांसजेंडर कमिटी को लेकर के,
ट्रांसजेंडर कमिटी को लेकर के गरिमा ग्रह बनाए गए हैं। कहां पर बनाए गए हैं? गरिमा ग्रह, जहां पर ट्रांसजेंडर कमिटी के जो लोग हैं वो अपनी पता है अपनी अपने बारे में वहां पर पार्टी से अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है, और सब कुछ कर सकते हैं। वो भी बता रहा हूँ, रुक जाओ, जेंडर पर सोचकर मैंने केला मारा हूँ। अरे वाह, तो तुम्हारा सोचना भी अब सही हो रहा है, ठीक है। गरिमा ग्रह, गरिमा ग्रह बेटा गुजरात में बनाए गए हैं, याद रखना। यदि आपसे कहा जाए गरिमा ग्रह एक प्रकार के शेल्टर होम है जहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपनी बातों को रख सकेंगे, अपने मतलब कि मुद्दों को प्रदर्शित कर सकेंगे और उनके बारे में हल तक सरकार का नजरिया जाएगा, ठीक है। वहीं पर यदि आपसे याद रखा जाए कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो खास करके ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेंस हैं उनको लेकर के कहां पर घर बनाया गया है, तो आपको याद रखना ये बेंगलोर में व्यवस्था की गई है, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए करके, ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, ग्रह की व्यवस्था की गई है, तो कहां पर, तो आपको याद रखना बेंगलोर मतलब कर्नाटक राज्य में की गई है। ये बड़ोदरा में गरिमा ग्रह बनाए गए। यदि आपसे कहा जाए भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर, जो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय होता है, ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, तो ट्रांसजेंडर को लेकर के उनको शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब भारत की इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई जा रही है, तो आपको राइट आंसर देना है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जा रही है? कुशीनगर में बनाई जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसजेंडर से जुड़े हुए प्रश्न है जो कि सॉरी बेटा कुशीनगर में बनाई जा रही है, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ ट्रांसजेंडर से जुड़े हुए प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर बात आ गई केरला की, ठीक है। अभी हाल ही में एलजीबीटी को लेकर के अदालत भी बनाई गई है। अभी हाल ही में, ठीक है, जेंडर समिट कहां पर हुई है, तो आपको याद रखना केरला में हुई है। अभी हाल ही में जेंडर समिट, ठीक है, जहां पर जेंडर को लेकर के वुमेन जेंडर समिट हुई है, जहां पर यूएन वुमेन यूनाइटेड नेशन का संस्थान है उसने कराई हुई है, ठीक है साहब। हां, और साथ ही साथ यदि आपसे कहा जाए ट्रांसजेंडर को लेकर के अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आपको पता है एक आम टॉयलेट जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, ठीक है, वहां पर समस्या होती है, क्योंकि एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल लिखा रहता है, फिर कई बार प्रश्न वो होता है, कई बार उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो ट्रांसजेंडर टॉयलेट की व्यवस्था करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरला है, ठीक है, केरल है। साथ ही साथ जेंडर समिट, यदि आपसे कहा जाए भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है कहां पर, तो ये भी केरला पे बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे ये भी याद रखना है जेंडर पार्क भी, ठीक है, जेंडर पार्क भी यहीं पर बनाया गया। और भी आप सर क्या आज मुकाबला है वासु? हाँ बिल्कुल जरूर, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तो हालत ऐसी लग रही है कि बस सांस फूल रही है। सुधांशु बाबू इसका कोई आप बताइए। हाँ मिल्क बैंक भी, पहला वुमेन मिल्क बैंक भी केरला बनाया गया। मैं बहुत से प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उतना स्पीड से बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ मुकाबला आपको, यार मुकाबला आपकी तैयारी को बहुत आसान बनाता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं मुकाबला डेली लेकर आऊंगा, आप यकीन मानिए मैं करवाऊंगा। गर्म पानी अभी सुबह उठ के पिया हूँ, अब इफेक्ट बहुत वो हो रहा है, एक घंटे में होने लगता है, लोड होने लगता है, पता नहीं। स्टीम सर, हाँ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अप्रैल के माह पर आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर हैं जिनका निधन हुआ है और वो हमारे बीच नहीं रहे, और उनको फादर ऑफ, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। उनके रिफॉर्म जो है कई बार आपसे प्रश्न भी आते हैं, उस कमेटी के नाम पूछे जाते हैं, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कमेटी कौन सी है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में 94 साल की उम्र में हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है, जिनको फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी है, तो एम्स नरसिम्हा राव कमेटी। देखो लास्ट ईयर सीजीएल में भी क्वेश्चन आया। अब ये जो नरसिम्हा राव साहब हैं इनका निधन भी हो गया तो इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो कुछ ऐसी पर्सनालिटी जिनका निधन होता है 94 साल की उम्र में, ये हमारे बीच अब नहीं रहे, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक देखो मैंने 2-3 आपको फादर बताए थे, फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री नाम बताए, इनका भी निधन हो गया, ये पास्ट अवे हो चुके हैं। फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो कपानी साहब हैं, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सर आपका यूट्यूब चैनल है? अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, यहीं पर हूं मैं, जो हूं जो कुछ भी हूं अनअकैडमी में हूं, जो कुछ हूं यहीं पर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग बताएं। फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री,
हाँ बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर जो फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री है, मतलब कि जो पहली बार टीए आपके वो नहीं है टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विस है टीसीएस, ये इसके डायरेक्टर बनाए गए थे, ठीक है, और इनका निधन हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर भैया हमारे सारे राइट आंसर दे रहे हैं, और ये देखो ऐसे नहीं है, बार बार इनको मैंने पढ़ाया है, नरेंद्र सिंह कपानी, इनका भी निधन हो गया बेटा, ठीक है। ये अच्छा तरीका है ना कि पुरानी चीजें भी इसके साथ जोड़ करके पढ़ लो, कितने लोग इस बात से सहमत हैं। ये भले आपका दिसंबर में, ये दिसंबर का न्यूज है, दिसंबर 2020 का, ये आपका फरवरी का है, और ये आपका यहाँ पर फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म कौन है, नरसिम्हा राव, ये अप्रैल 2021 का न्यूज है, अप्रैल 2021 का। तो मैं पता है आगे से पीछे तक का पूरा पढ़ा देता हूँ, ये मेरा तरीका है, मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ। वर्गीज कुरियन साहब बेटा वो अलग चीज़ है, वो तो मिल्क फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन के हैं, लेकिन जिनका अभी निधन हुआ है, जो अभी जिनके जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी डेथ हुई है, पास डबे हुए हैं, उनके बारे में जान लो, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फादर ऑफ बैंकिंग कौन है, तो एम नरसिम्हा राव है, याद रखना है, ठीक है साहब। Which country has hosted लीडर समिट, यदि आपसे पूछा जाए कि लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अभी हाल ही में लीडर समिट हुई है अप्रैल के माह पर, अप्रैल 2021 में कहां पर हुई है, राइट आंसर दें। पता नहीं अब तो गड़बड़ लग रहा है कुछ यार, बहुत नींद आती है, पता नहीं क्या है, दवा खाने पर। बिल्कुल सही, थोड़ा कम ही बोल रहा हूं, यूएसए, यूएसबी वाले आशीष बाबू गलत हैं आप, नहीं बेटा लीडर समिट जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के अभी हाल ही में हुई है, यूएसए ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर पार्टिसिपेट किए थे, अप्रैल के महीने पर लीडर समिट फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मोदी जी नहीं 19, ठीक है, ठीक है, ये जो आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो 19 देश हैं वहां पर पार्टिसिपेट किया, मतलब रसिया नहीं किया है, याद रखना, G20 के जो कंट्री हैं वो सारे पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, 19 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, शायद रशिया भी पार्टिसिपेट किया, 19 देश डेवलपिंग कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में 24 अप्रैल को इन्होंने अपने पद में शपथ ले लिया है, 24 अप्रैल को, ठीक है, ओथ हुई है इनकी, और शपथ किसने दिलाया, तो ओथ बाई आपको याद रखना है, ठीक है, इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। तो अभी हाल ही में नुथालापति वेंकट रमना, ठीक है, नुथालापति वेंकट रमना अभी हाल ही में नए सीजीआई हुए हैं, ये भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शपथ ले लिया इन्होंने 24 अप्रैल को, 48वें नंबर के सीजीआई हैं, ठीक है, इनके पहले कौन था, शरद अरविंद बोबले साहब थे। शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ किसने दिलाई है, प्रेसिडेंट महोदय ने दिलाई है, आपने ये फोटो अभी देखी होगी, मैंने आपको हर जगह शेयर की थी, टेलीग्राम से लेकर के व्हाट्सएप ग्रुपों में, ठीक है। तो 48 सीजीआई के रूप में शपथ लिया है, किससे लिया है, तो वेंकट रमना जी ने लिया है, ठीक है, याद रखिए ना, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम नुथालपति वेंकट रमना, नुथालपति, ठीक है, नथालपति वेंकट रमना, ठीक है। शरद अरविंद बोबले साहब 47वें थे, ठीक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, 28 जनवरी को हुई थी 1950 को, ठीक है। इनमें कितने जज हैं, तो 33+1 हैं, ठीक है, मतलब 34 जज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की पावर्स किसके पास है, तो आपको राइट आंसर देना है, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का टेन्योर कितना होता है, तो आपको याद रखना 65 साल तक होता है, मतलब कि जो भारत के सीजीआई बनाए गए हैं ये 65 साल की उम्र तक इस पद पे अपने रहेंगे, ठीक है, 65 होता है, याद रखना। टेन्योर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का टेन्योर क्या होता है, तो आपको पता है 65 साल की उम्र तक होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उपराष्ट्र मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो या हाई कोर्ट के जज की बात हो, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। बेटा 6 साल नहीं होती, संजीव बाबू गलत कर रहे हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 65 साल होती है, मिनिमम एज का कोई भी वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि 6 साल रहेंगे,
नहीं 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 बेटा, ये आप लोग भावुक हो गए, वो आप लोग दूसरी चीज पे चले गए। ठीक है, यहाँ हाई कोर्ट के लिए 62 साल है, लेकिन मिनिमम एज 6 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुधांशु भावुक मत हूँ, सिर्फ 65 साल, ठीक है, मैक्सिमम एज दी गई है, मिनिमम नहीं दी गई है। क्या आप लोग ये कहने लगे मिनिमम वो कम से कम 6 साल रहेंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने पर, जैसे अब आप लोग कहां भावुक हो रहे हैं, ठीक है, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे बेटा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अप्रैल के महीने पर, ठीक है, और वो कौन बनाए गए कमिश्नर, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, उनका नाम क्या, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा, इनका टेनवर जो है उनका है 65 साल है बेटा, और यहाँ पर 6 है, या तो वो 65 साल तक या तो वो 6 साल तक अपने कार्य इस पद पे कार्य करेंगे, सुशील चंद्रा, ठीक है, चंद्रा ये है इनका, ठीक है, चलो हाँ हाँ बस बस ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर का अगला इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी ये बुक आई है नोवेल, ठीक है, हेयर अबाउट, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए नोवेल हेयर अबाउट, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, एक काफी यंगेस्ट मतलब कि राइटर हैं, और उन्होंने इस बुक को अप्रैल 2021 में लिखा हुआ है, ठीक है, अभी एक दिन पहले आपने पेपर में इस बुक को देखा होगा, ठीक है, आप बताएं नोवेल हेयर अबाउट्स ये बुक किसकी है। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप वो ताकत हैं, आप में वो स्ट्रेंथ है कि यदि आप चाहें तो एक व्यक्ति को आम को खास और खास को आम बनाना आपको आता है, क्योंकि आप पता है वो एक स्टूडेंट पावर हैं, तो थोड़ा सा आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग, आप इस वीडियो को जरूर साझा करें अपने दोस्तों तक। राइट आंसर दें यहाँ पर, बिल्कुल सही लहरी, बिल्कुल सही यहाँ पर, ठीक है, झुंपा लहरी, ठीक है, हमारी क्लास में भी एक लहरी आती है, वो नहीं है क्या आज, रानी लहरी जो अक्सर क्लास में दिखती है, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर झुंपा लहरी जो है, ठीक है, ये इस बुक के राइटर हैं, तो आप वो लहरी याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, नोवेल हेयर अबाउट्स, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस देश की सहायता से इंडिया में पहली बार मेगा फूड पार्क बनाया गया है, ठीक है, और वो मेगा फूड पार्क में भारत में बनाने के लिए पहली बार सहयोग करने वाला देश कौन सा है। राइट आंसर दें, राइट आंसर दें आप लोग, आवाज क्लियर आ रही है ना, किसी कोई समस्या तो नहीं है। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार आदित्य बाबू, कैसे हैं आप, अच्छा मैं आखिरी में लाइक करूंगा, अरे वाह, चलो चलो अच्छी बात है, आप लोग आखिरी में ही लाइक किया करो, लेकिन तय करके लाइक किया करो कि अरे लाइक करने और शेयर करने लायक है, मैं इसीलिए आखिरी में बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्लास के अंत के बाद आप वीडियो को एक बार साझा कर दिया करो, बिल्कुल सही, यहाँ पर इटली, ठीक है, अभी इटली ने भारत में पहला फूड पार्क बनाने के लिए पेशकश की है, इटली के द्वारा ये मेगा फूड पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, गुजरात में, गुजरात में आपको याद रखना, गुजरात में याद रखना, इटली की पता है, इटली जो है आपको याद रखना, इटली के नए प्रधानमंत्री हैं, और इटली इस बार क्या कर रहा है, G20 की मीटिंग यहीं पर हुई है, ठीक है, और इनका नाम क्या है, मारियो द्राई, मारियो द्रागी, ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम है, नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हाँ इटली जो है यहाँ पर याद रखना, रोम, वहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है या प्रोग्राम जो है जिसको नोबेल दिया गया, वो यहीं पर है, FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ठीक है, हाँ हाँ रेशमा बताइए, केसरवानी जी, सर हम डिसलाइक करेंगे अब, अरे वाह वेरी गुड, ठीक है, कुछ तो करो, सही तो रिव्यू दो, वीडियो को शेयर करो, डिसलाइक करो, कुछ तो करो, खाली क्यों बैठे रहते हो। अभी हाल ही में अप्रैल के माह पर ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 2021 का, क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या था, पंचायती राज दिवस था, 24 अप्रैल को आपका क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज दिवस, क्यों भाई साहब 24 अप्रैल को क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे संविधान में 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और ये लागू कब से हुआ था, तो आपको पता है 1 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है पंचायती राज,
ठीक है। तो पंचायती राज दिवस सॉरी 24 अप्रैल से, सॉरी सॉरी भैया 24 अप्रैल से लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल से याद रखना, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। और इस बार पहली याद रखना पंचायती राज ई पंचायत पुरस्कार दिया गया, जहां पर पंचायतें सबसे ज्यादा ई हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कुल मिला के यहाँ पर याद रखना जहां पर इंटरनेट और ई तरीके से उपलब्धता है, ठीक है, तो सारी ई उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, उसमें पुरस्कार जीता है। पिछले बार 2020 का जीता था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 2020 में कौन जीता था, तो मैंने आपको बताओ कितनी बार पढ़ाया कि ई पंचायत पुरस्कार कौन जीता है, तो आपने तुरंत आंसर दिया था हिमाचल। इस बार का ई पंचायत पुरस्कार 2021 का कौन जीता है, उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पे ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये अप्रैल 2021 के क्वेश्चन है, याद रखने आपको सर, ठीक है, सभी लोगों को, सभी श्रीमान इन प्रश्न को जरूर याद रखें, ठीक है। हाँ याद रखना 24 अप्रैल को, ठीक है, जो ये पूरी तरीके से एक्ट है वो लागू हुआ था, ठीक है। हमारी अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची में आपको पता है 11th शेड्यूल में पंचायती राज को जोड़ा गया, और 24 अप्रैल को ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 1993 में। इसीलिए हम हर साल 24 अप्रैल को ग्रामीण या पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट, गगनयान मिशन को लेकर के अप्रैल के माह पर इंडिया ने अभी हाल ही में किस देश को ह्यूमन स्पेस मिशन को लेकर के, गगनयान मिशन जो कि हमारा टारगेट है 2022 में भेजा जाना, वहीं पर हमने हाफ ह्यूमनॉइड जो है व्योम मित्रा को, ठीक है, व्योम मित्रा को भेजने की शुरुआत कर रहे हैं। आपको पता है दिसंबर 2021 में हमारे बजट भाषण में हमारे बोला गया था, ठीक है, यह हाफ ह्यूमनॉइड है, ठीक है, व्योम मित्रा को भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे बताएं, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इस एग्रीमेंट पे साइन किया है कि हमारा जो गगनयान मिशन है उसमें आप हमारा साथ देंगे, गगनयान में सहयोग के लिए भारत ने अभी किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो राइट आंसर दें। कंसर्नशिप, मैं बेटा समझा नहीं, कंसर्नशिप किसके संदर्भ में आप पूछ रही हैं? हाँ रेशमा बेटा मैं आपका प्रश्न पढ़ लिया हूं, कॉन्करशिप कंकरेंट लिस्ट की बात की, किस चीज की बात कर रही हैं? कोई भैया इनके प्रश्न का सही जवाब दे, राइट आंसर यहां पर क्या है, फ्रांस है, लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है। भारत ने फ्रांस के साथ हाथ मिलाकर के अभी हाल ही में, ठीक है, यूरोप के साथ, ये याद रखना यहां पर फ्रांस के साथ इस गगनयान मिशन के लिए एग्रीमेंट किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताएं, यहां पर अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में टकराया है, जिसका नाम है सिरोजा, ठीक है। आप नाम पढ़ के ऐसा लगेगा अरे सिरोजा है तो हमारे यहाँ का इंडिया का होगा। अभी हाल ही में एक चक्रवात सिरोजा आया है और ये 170 किलोमीटर की स्पीड में 11 अप्रैल के टकराया है, कहां पर टकराया है, तो राइट आंसर दें। सिरोजा चक्रवात जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शहर के पास में 170 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब 170 किलोमीटर की स्पीड से टकराया है, राइट आंसर दें। तो कंक्रेंट लिस्ट की बात क्या कर रही है, मतलब कंक्रेंट लिस्ट आपकी बेटा 7th शेड्यूल में होगी, जहां पर सेंटर स्टेट है, बिल्कुल सही, गलत बता रहे हैं भैया, कलबारी, हाँ यह भी हाल ही में चर्चा में है, जो कलबारी शहर को टकराया है, हाँ ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किस शहर को टकराया है, सिरोजा, तो अप्रैल के महीने पे साइक्लोन आया, इसलिए अप्रैल के सारे करंट क्वेश्चन थे, मैंने कहा ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी करा देते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का हाईएस्ट, यहां पर याद रखना बन के तैयार हो चुका है, वर्ल्ड का हाईएस्ट 395 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है, हाईएस्ट का मतलब ऊंचाई पर, 395 मीटर, ठीक है, ऊंचा ये पुल है, ऊंचाई पर पुल है, मतलब समझ लेना ऊंचाई पर है, रेलवे ब्रिज है जो बन के तैयार हो चुका है 6 अप्रैल 2021 को ये बन के तैयार हो चुका है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज किस नदी में बनाया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बन के तैयार हो गया चिनाब पर, ठीक है, कब, अप्रैल के माह पर, याद रखना कि अप्रैल के माह पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है भाई साहब, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर, भाई 395 मीटर काफी होता है यार, ठीक है, 1.9 किलोमीटर का ये ब्रिज है, ठीक है, मतलब ये चौड़ाई जो है 1.9 किलोमीटर की ब्रिज की, जो ऊंचाई है वो 395 मीटर, इसीलिए हाईएस्ट ब्रिज है, टालिस्ट जिसको बोल सकते हैं, हाईएस्ट की जगह कई बार आपसे टालिस्ट पूछ ले तो आपको याद रखना, भारत का पहला ये दुनिया का सबसे बड़ा टालिस्ट हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां पे बनाया गया, तो राइट आंसर याद रखना, ठीक है। अगला प्यारा क्वेश्चन, राइट आंसर दें आप लोग, वरुण 2021 एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि अप्रैल के माह पर कंडक्ट हुई है, राइट आंसर दें आप लोग, वरुण 2021 एक एक्सरसाइज है जो अप्रैल के माह पर कंडक्ट हुई है,
ठीक है, आप बताएं ये कहां पर हुई है वरुण? तो आप बोला नेवल एक्सरसाइज है, दो देशों के बीच में होती है, किसके किसके बीच? इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है। और ये कहां पर हुई है? तो आप लोग राइट आंसर रखना बेटा, अरेबियन सी में हुई है, अरेबियन सी में हुई है। कौन सा एडिशन हुआ है? तो आपको याद रखना 19th एडिशन हुआ है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। कौन सा एडिशन हुआ है? तो 19वां एडिशन हुआ है, 2021 में हुआ है, और कहां पर? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हाँ बस ये सारी बातें आपको याद रखनी है, अरेबियन सी में, ठीक है, आपको याद रखना है। यहां पर अरब सागर में नेवल एक्सरसाइज वरुण कंडक्ट हुई है, जो कि 19 एडिशन हुआ है, ठीक है। आपसे यदि पूछा जाए यहां पर, याद रखना कि वरुण, गरुण, ये देखना यहां पर प्रश्न आ जाते हैं कई बार, ठीक है, शक्ति, ठीक है, साथ ही साथ डिजर्ट नाइट, डिजर्ट नाइट, या साथ ही साथ आपका, हाँ बस ये चार याद रखनी है, ठीक है। ये 2021 में जो भी, जैसे वरुण 2021 में हो गई, ठीक है, ये 2021 में हुई है, ये कहां पर हुई है? जोधपुर में हुई है, ठीक है। राफेल विमान यहां पे पार्टिसिपेट किए थे, ये कहां पर हुई? तो अरेबियन सी में हो गई। और ये वरुण गरुण, ठीक है, शक्ति, ये सारी एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो आपको याद रखना इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच। ये वरुण है नेवल एक्सरसाइज है, गरुण है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, शक्ति जो है ये सॉरी ये शक्ति जो है ये आपकी आर्मी एक्सरसाइज है, डिजर्ट नाइट आपको ये पता ही है। अच्छा वासु, ये क्वेश्चन आया था, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 की अप्रैल के महीने पर हुई है, कहां पर हुई है, कौन सा एडिशन है, ये इतना याद रखना है, ठीक है। ये डिजर्ट नाइट भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से इतने क्वेश्चन आते हैं, जो लोग सीएपीएफ देने वाले हैं या एनडीए देने वाले हैं या सीडीएस देने वाले हैं, भैया याद कर लो, पूछे जाएंगे, मैं आपको इसलिए अभी से बार बार बताता चल रहा हूं। अगला प्यारा क्वेश्चन, राइट आंसर दें। और आप लोग भविष्य में जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करने वाले हैं 23 अप्रैल को, याद रखना यहां पर देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे अप्रैल के क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2021 को वर्ड बुक कॉपीराइट डे, मतलब यदि आपसे पूछा जाए वर्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग याद रखना अप्रैल में। देखो यहां पर मैंने कैसे आपको डे बता दिया, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कैसे सर आपने पढ़ा दिया, 23 अप्रैल को होता है, 23 अप्रैल को वर्ड बुक डे, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। देखो यहां पर तुरंत देखो 24 अप्रैल को पंचायती राज, यदि आपसे पूछा जाए पंचायती राज कब होता है, तो 24 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल को मैंने एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो अर्थ डे होता है, अर्थ डे होता है, देखना सारे कनेक्शन एक साथ कर दूंगा, अर्थ डे। 25 अप्रैल को कौन सा डे होता है, तो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया टीवी डे होता है, ठीक है। कौन सा डे होता है, तो आपको सॉरी मलेरिया डे होता है, मलेरिया डे होता है, क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे? देखो इतने डे याद हो गए, इतने डे याद हुए, पहले ये बताओ। हाँ 22 मार्च की जगह 22 अप्रैल को मैंने आपको बताया अर्थ डे, और ये देखो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे, 24 अप्रैल को पंचायती राज, 25 अप्रैल को मलेरिया डे, ठीक है, कोई दिक्कत? इतने याद हुए ना ऋषि बाबू, इतने याद हो गए। जनवरी फरवरी मार्च तो मैंने पूरा याद करा दिया, अप्रैल के इतने याद हुए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, 14 अप्रैल आपको याद ही करा दिया हूं, ठीक है। ये आपका भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे होता है, विधि, ठीक है, अब धीरे धीरे करके ऐसे सारे याद करा दूंगा। क्लियर सब सही है ना? अच्छा 28 को कह रही करते कृतिका डे होता है, कह रहा है मेरी मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे एडवांस, हाँ 28 अप्रैल को अपना डे बना दी। टीवी नहीं बेटा, टीवी जो होता है वो बेटा अप मार्च में होता है, ट्यूबर क्लॉसिस 24 मार्च को। अब आप लोग टीवी का भावुक हो जाते हैं, ट्यूबर क्लॉसिस याद हो गए, इतने याद हो गए। तो यदि आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 में किसे घोषित किया गया है, ठीक है, बुक कैपिटल, तो आप बोलेंगे 2021 के लिए, ठीक है, तबलिसी को घोषित किया गया है। अब यहां पर मैं भैया यहां पर देखो यूनेस्को जो है, ठीक है, बुक कैपिटल बनाती है हर साल, भाई साहब कमाल है, बुक कैपिटल, बुकों की राजधानी बनाती है। 2020 में क्या था, तो आपको पता मलेशिया का शहर कोलमपुर था, ठीक है, उसी प्रकार 2021 में किसे बनाया गया है, तो आपको याद रखना जॉर्जिया का शहर है, ठीक है, तबलिसी है, ठीक है, बुक कैपिटल, यहां पर कुआलमपुर था, ठीक है, लमपुर था, ठीक है, कोलमपुर। अब यदि आपसे 2022 का पूछ लिया जाए, साफ देखना यहां पर 2022 का, तो अब आप लोग बता दो, हाँ बिल्कुल मैस्को का शहर बड़ा वो उल्टा सा है, कोई नाम बताएगा, शहर का नाम नहीं याद आ रहा, कोई बताएगा, अरे जी से है उसका नाम यार,
मुझे कई बार याद नहीं होता, ग्वाड करके है, ग्वाड ग्वाड राजा करके है, मैक्सिको का शहर है, बड़ा खतरनाक नाम है, मारियो ऐसे करके मैक्सिको का पड़ता है, ग्वाड राजा करके। अरे भाई सही है, गुर्दाबाद है, हाँ तो मैक्सिको का शहर है उसका नाम है गुर्दाबाद, ये 2022 के लिए गुर्दा गुर्दावाच। अब 2021 के एग्जाम के लिए भी हमें तैयार रहना है और 2022 के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। क्या नाम है, गुडल राजा, हाँ ऐसे करके है बेटा, तुम मैं कंफ्यूज हूं सर, ऐसा क्या पढ़ा दिया कि लोग डिसलाइक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही हेमंत, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां पर राइट आंसर यहां पे है गुड ला राजा, गुड ला राजा वो शहर है जो 2022 की बुक कैपिटल बनाया गया। 2021 की कौन है, तो 2021 की याद रखना, 30 अप्रैल को बुक डे था और उस दिन कहा गया कि 2021 की कैपिटल जो है तबलिसी है जॉर्जिया का। डिसलाइक वाले गुस्सा हो गए होंगे कि टीचर पता नहीं बड़े आराम आराम से पढ़ा रहा है, इतना आराम से कोई पढ़ाता है? अरे जल्दी जल्दी फेंकते रहो क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा थोड़ी ना पढ़ना है। ये पता है वो लोग नाराज हो जाते हैं कि इतना मास्टर क्यों पढ़ा रहा है, हमें इतना पढ़ना ही नहीं है, हमें इतना क्यों ध्यान से पढ़ाता है कि 22 अप्रैल 23 अप्रैल 24 अप्रैल 25 अप्रैल सारे डे याद करा रहा है। हमें याद नहीं करना, हमें बस ये लगना चाहिए कि हमारे जब बुआ फूफा मामा आए तो बोल सके कि तैयारी कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, याद हो, ये मायने नहीं रखता हमारे लिए। क्योंकि एक बार नहीं होगा, दो बार तीन बार चार बार पांच बार एग्जाम देंगे हम, क्योंकि सीजीएल का फॉर्म तो आते रहना है सर, और उम्र हमारे पास है ही, तो आप सिलेबस कवर कराओ, याद मत कराओ, और ज्यादा याद कराने पे जोर मत दो, याद तो हम कर लेंगे। हाँ हेमंत बाबू, अरे वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बीमार था तो इस वजह से नहीं बात हो पाई, मैं करूंगा तुमसे बात, चलो यहाँ पे आओ। तो ऐसा है ना कि हमारे जब चिंटू भैया आए तो चिंटू भैया बोलेंगे कि कैसी चल रही है पढ़ाई, एसएससी की तैयारी, अन अकेडमी में पढ़ रहे हो? हाँ ठीक है, अभी तो सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है और कुछ तो है नहीं, अनी अकेडमी है इस समय। हमारा एक पड़ोस का लड़का है, वो भी अभी आईआईटी का अन अकेडमी से ही पढ़ रहा है, सब अन अकेडमी से ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो मन लगा के। तो आपका सीना चौड़ा हो गया कि बस टिंकू भैया हमारे बोल दिए कि मन लगा के पढ़ते रहो, लेकिन ये नहीं है कि आपका एग्जाम कब निकल रहा है, ये प्रश्न वो नहीं करेंगे, तैयारी कैसी चल रही है। जैसे कोई पूछ देगा कि अरे एग्जाम एग्जाम निकला कि नहीं निकला, तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा कि पाप वाला क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे कोई फूफा जी आए और आगे पूछे कि भैया एग्जाम एग्जाम कोनो निकला कि सिर्फ पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है, वो आपका कट्टर, आप उससे एलर्जी करेंगे कि ये आदमी ना आए हमारे घर। कर्नाटक वार वाली क्लास देखी, मजा आ गया। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2020, राइट आंसर दें आप लोग, ठीक है। इसमें पहला स्थान किसका आया है, तो ये देखो मार्च का क्वेश्चन है, लेकिन कर्नाटक इसका राइट आंसर है, कर्नाटक, ठीक है, इनोवेशन में। फिर कर्नाटक के बाद कौन है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पे तेलंगाना। लेकिन एक बात यहां पर याद रखना, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है साहब, ठीक है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग। ये प्यारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है ये इंडेक्स, तो नीति आयोग जारी करता है। बेटा कल से तो आपकी ज्योग्राफी क्लास 8 से 9 स्टार्ट है, अच्छा मैं जगूंगा, आप नहीं जगोगे, आप हीरो हो ना। जो ज्योग्राफी का कोर्स बाकी रह गया था वो क्लास होगी कल से कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरी बात यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में, तो हिमाचल राज्य वो है जो पर्वतों में सबसे ज्यादा इनोवेशन पे जोर देता है, हिमाचल, ठीक है। अब वहीं पर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर नंबर वन पोजिशन पे आया है, और यदि यूटी की बात की जाए, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी की, तो वहां पर दिल्ली है, राइट आंसर दिल्ली होगा, ठीक है सर। भावुक नहीं होना है, सारी चीजें याद रखनी है। हाँ 8 बजे क्यों नहीं जगोगे भाई, मैं पीटूंगा यदि नहीं आए आप लोग क्लास, पिटाई होगी साहब आप लोगों की। चलो राइट आंसर दो, अगला अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, राइट आंसर आप लोग देंगे। ओहो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, राइट आंसर दो। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री महोदय, ठीक है, हर चीज को त्योहार के रूप में बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, चुनाव को भी एक त्योहार बनाते हैं, बोलते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, ठीक है, भागीदारी सुनिश्चित करें, त्योहार बहुत मनाते हैं। कई बार कहेंगे जब कोरोना आया तो थाली बजा दो, ठीक है। अब एक त्यौहार इन्होंने कहा है टीका उत्सव, टीका उत्सव अप्रैल के माह पर शुरू किया गया,
वैक्सीनेशन फेस्टिवल यदि आपसे कहा जाए किस देश ने शुरू किया है, WHO ने शुरू किया है, ठीक है, यूनेस्को ने शुरू किया है, तो आप बोलना कि बस भैया ये सब जो नाम देता है ये यही देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय देते हैं, इन्होंने कहा कि जो टीका होगा उसका नाम दे देते हैं, नाम देने में बहुत अच्छा है इनको, ठीक है। एक्चुअली में इन्होंने नाम देना ऐसे सीखा ना, जब ये अपना वो रहते हैं तो सोचते रहते हैं कि क्या नाम देंगे, तो उन्होंने टीका उत्सव इस बार नाम दिया। जैसे आपने देखा होगा कि ठीक है तरह तरह के नाम इन्होंने पूरे कोरोना काल में निकाले, ठीक है, चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री तक का सफर, ठीक है, और इन्होंने एक नया नाम दिया है, ठीक है, कि यहाँ पर टीका उत्सव, वैक्सीनेशन फेस्टिवल। भाई साहब आप वैक्सीनेशन त्यौहार के पहले आपने ऐसा धूमधड़ाका मचवा दिया पूरे भारत में, ठीक है, यदि आप इलेक्शन नहीं कराते महोदय साहब तो हमारी स्थिति आज शायद ऐसी नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे विश्व का मीडिया कह रहा है। वैसे मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैं भारत सरकार का फ़ैन हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, इस पद में आप सुशोभित हैं तो सम्माननीय है मेरे लिए, लेकिन ये जो आप फेस्टिवल नाम देते हैं बहुत अच्छी बात है। आप में इनोवेशन आइडिया, इनोवेटिव हैं आप, आइडियाज हैं और आप डेवलपमेंट की दिशा में भी काम करते हैं, लेकिन कई बार आप पता है पता नहीं भावुक ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे भावुकता में आपने जो ये चुनाव का निर्णय लिया, ठीक है, भले आप चुनाव को टला देते भाई साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि कुछ दिन वही मुख्यमंत्री बनी रहती, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ शायद नहीं आती। पंचायती राज में योगी जी पता नहीं गाँव को क्या पंचायत, सिर्फ पंचायती राज के चुनाव में परिवार के बीच में विभेद होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। पैसा पहुंचता है ग्रामीण समाज में और ग्रामीण समाज में एक आदमी कहता है मैं प्रधान बन जाऊंगा, मेरा घर पक्का बन जाएगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी, मेरे बेटियों की शादी हो जाएगी, चुनाव इसलिए लोग लड़ते हैं, ठीक है। तो आपने वहां पर भी कोई बदलाव नहीं किया। मान लीजिए आप पंचायती राज को बड़ा सशक्त करना चाहते हैं, आप गांधीवादी आदर्शों में चल रहे हैं, लेकिन आप वहां पर करप्शन को खत्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार आपकी कमियां हैं और आपको पंचायती के जो चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश में करा करके आपने एक ऐसा हथियार छोड़ा हुआ है कि इस समय जो पिछली बारी लहर में गांव-गांव में कोरोना नहीं पहुंचा था, अब हर गांव में कोरोना का कहर है, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा इस चीज को समझें, ठीक है, इस गलती को आप सार्वजनिक होकर के माफी मांगें, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है माफी मांगना। तो पंचायती इलेक्शन में भी आपने ये सब गड़बड़ कर दिया है। सर प्लीज डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ क्लास करिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, हाँ, पंचायती इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाया, बंगाल और बिहार और आपको पता ही है वो तो पूरा फैला ही है, 5 राज्यों में आपने वो कर दिया, ठीक है। लोकतंत्र को मजबूती से बनाए रखना है और ये प्रूफ भी करना है तो इसका एक अलग पहलू भी दिख कर सकते थे आप पता है घर घर अपनी वोटर मशीन को लेकर के पहुंचा सकते थे। जैसे आप पता है एक गाँव में जैसे पोलिंग बूथ बनाते हैं, पोलिंग बूथ ना बना करके आप इलेक्ट्रिक जो हमारी EVM मशीन है उसमें चुनाव चिन्ह लगाते और पहुंचवा देते कि भाई अपने अपने घरों में आप दबाते रहो। आपने आके कोरोना ऐसा फैलवाया, क्या जरूरत थी चुनाव की, प्रधान जी सब मुस्कुराते हुए चुनाव लड़ रहे थे, बताइएगा। अभी हाल ही में 356 कराने का, देखिए IPL, देखिए IPL हो रहा है लेकिन IPL में कोई देखने नहीं जा रहा है, लेकिन IPL एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है क्योंकि मनोरंजन के लिए भी चाहिए। तो IPL देखिए हमारी अनअकैडमी के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लान है पूरा कि IPL में 356 लगाने का रिकॉर्ड IPL में किसने दर्ज कर लिया, बिल्कुल राइट आंसर क्रिस गेल। अच्छा क्रिस गेल इस समय किस टीम से खेल रहे हैं, तो आपको पता है रॉयल राजस्थान से खेल रहे हैं, आपको याद रखना है ये किस टीम से खेल रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल से खेल रहे हैं, ये भी एक बात याद रखनी है, राजस्थान रॉयल से खेल रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है यहाँ पर, आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। अच्छा ये भी एक प्रश्न है आखिरी, ब्रिक्स बैंक का, अभी हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है सेंट्रल बैंक के गवर्नर की, जैसे मान लो हमारा सेंट्रल बैंक RBI है, ऐसे जितने ब्रिक्स की कंट्री हैं मतलब ब्रिक्स देश जो है उनका नाम है 5 BRICS, वो कहाँ पर हुई है मीटिंग, तो आपको याद रखना है कि पिछली बार रसिया में मीटिंग हुई है, तो एक क्रम से होती है, जैसे अब पहले ब्राजील में हुई थी, फिर ब्राजील के बाद रसिया में, अब इंडिया में हो रही है, इंडिया में 13वां ब्रिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर याद रखना कि अभी हाल ही में किसके पास होस्टिंग है, तो आप बोल रहे हैं इंडिया के पास होस्टिंग है, इस बार 2021 में जो ब्रिक्स मीटिंग है उसकी होस्टिंग कौन सा देश कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। पंजाब का एक राजस्थान का है, मुझे नहीं पता भाई, मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूं क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया, बस भैया आप लोग इसमें खोजी आदमी है, मुझे नहीं पता, मैं पहले तुम लोगों को क्रिकेट के बारे में ये बात कह देता हूँ इसलिए मैं बोला नहीं ना लिखा यहाँ पर, देखो मैंने लिखा भी नहीं है, नहीं लिख देता अभी तक राजस्थान रॉयल, मुझे नहीं पता रहता, मुझे लगा कि राजस्थान का खिलाड़ी हो, क्योंकि शायद मैंने पिछले कहीं स्क्रीन में देखा था, पंजाब का है भाई, नहीं पता मुझे, तो मैं इसीलिए लिखा नहीं हूँ, आपको पता है यहाँ पर, ठीक
ध्यान दे देना आप लोग। क्रिकेट के मामले में मेरा लगाव नहीं है, लगाव नहीं है तो फिर उतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता। यहां पे आ जाओ, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन जरूर कर लेता हूं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर दे दो आप, क्यों मनाया जाता है ये तो पता ही चल गया। 22 अप्रैल पता चल गया भैया हमको, अर्थ डे हुआ था, ठीक है। 23 अप्रैल बुक डे हुआ था, वर्ल्ड बुक डे। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस हुआ है। 25 अप्रैल तो आपको तुरंत पता चल गया क्या हुआ, मलेरिया डे हुआ है। अप्रैल में क्या हुआ, 25 अप्रैल को मलेरिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे याद करा दिया हूं। अभी हाल ही में जो इंडिया की, ठीक है, अंडर सी टनल है वो कहां पर बनाई गई है, तो आपको याद रखना मुंबई में, ठीक है, अंडर सी टनल, ठीक है, अंडर सी वाटर याद रखना यहां पर, यदि आपसे पूछा जाए अंडर वाटर मेट्रो तो आप लोग तुरंत आंसर देना ये कहां पर, कोलकाता। अंडर सी टनल, टनल की बात कर रही है तो मुंबई। यदि आपसे कह दिया जाए वाटर मेट्रो, वाटर पे मेट्रो चल रही है, तो आपको तुरंत आंसर देना है ये आपका केरला। लोग भावुक हो जाते हैं यहीं पे गलत कर देंगे। सर आज के लिए काफी है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आर्कटिक ड्राफ्ट किसने बनाया, किस देश ने बनाया, ये प्रपोजल इंडिया ने बनाया है, ठीक है। आर्कटिक रीजन कहाँ पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे हमारे आर्कटिक में कौन कौन से स्टेशन है, तो हिमाद्री और इंड आर्क, हिमाद्री और इंड आर्क, इंड आर्क, ये हमारे दो स्टेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है, इसी उत्साह और उमंग के साथ कल, ठीक 12 बजे, ठीक है। स्वास्थ्य को मैं देखता हूँ एक बार, ये सही रहता है तो मैं कल क्लास करूंगा। और आप सब लोग जरूर आइएगा, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिएगा, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर कवर करूंगा। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करने वाले हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप रेफरल कोड G10 अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और आप अपने दोस्तों से भी इन्फॉर्म करेंगे कि आप रेफरल कोड G10 अप्लाई करेंगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप यदि रेफरल कोड G10 या जीत लाइव अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आप मेरी ही क्लासेस देख सकते हैं, आप सभी एजुकेटर की A to Z क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी, अपनी आने वाले भविष्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, हमारे नए बैच, सभी नए बैच हमारे आ रहे हैं 5 मई से, तो अपने दोस्तों और छोटे भाइयों को जरूर बता दीजिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।